हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। अब मैं कौन सा टॉपिक आपके पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए दोस्तों। टॉपिक क्या है दोस्तों? यूज ऑफ वर्ब टू बी, ठीक है। तो यूज ऑफ वर्ब टू बी के अंतर्गत कौन कौन सहायक क्रिया आती है, सबसे पहले अपन उसे जानते हैं, ठीक है। इज आता है, आर आता है, एम आता है, वी इज, आर एम, विल बी, शैल बी, और दोस्तों वाज और वर आता है, ठीक है दोस्तों। ये यूज ऑफ वर्ब टू बी की सहायक क्रिया होती है। यूज ऑफ वर्ब टू बी में जो ये पास टेंस होता है, इसकी सहायक क्रिया दोस्तों वाज और वर होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वाज और वर का प्रयोग, ठीक है। वाज और वेयर का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, इससे संबंधित कुछ उदाहरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी होने लगा है, यहाँ पर इसकी हिंदी होती है साधारण वाक्य। तो कुछ साधारण वाक्य हो गए होगा, उसमें हम लोग इसका यूज सीखने वाले, ठीक है ना। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यह पार्ट नंबर कौन सा है? 15। यह पार्ट नंबर कौन सा है? यह पार्ट नंबर कौन सा है? 15, ठीक है दोस्तों। पार्ट नंबर 15 है। इससे पहले पार्ट नंबर 14 तक हमने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट हमने बनाया है, प्लेलिस्ट में जाएं, प्रत्येक वीडियो देखें, आपके पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग लगाना है अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य, ठीक है। उदाहरण नंबर 1, तो उदाहरण नंबर 1 लेते हैं, मैं अभियंता था। उदाहरण नंबर 1 लिखेगा, मैं अभियंता था, ठीक है दोस्तों। मैं अभियंता था, इसका अंग्रेजी का बनेगा दोस्तों, मैं अभियंता था, इसका अंग्रेजी का बनेगा। मैं करता है, इसके लिए वाज का प्रयोग करेंगे, दोस्तों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आई वाज, ठीक है, आई वाज। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद क्या लगेगा? अभियंता का अंग्रेजी होता है इंजीनियर, क्या होता है? एन इंजीनियर लिखेंगे दोस्तों, एन इंजीनियर, ई एन जी आई एन डबल ईयर, इंजीनियर फुल स्टॉप, ठीक है। आई वाज एन इंजीनियर, इसका अंग्रेजी बनेगा, ठीक है। उदाहरण नंबर दूसरा लेते हैं दोस्तों, उदाहरण नंबर दूसरा, ठीक है। हम लोग लेखक थे, ठीक है। लिखिएगा दोस्तों, हम लोग लेखक थे, ठीक है। लोग की बात समझ में आ रही होगी, हम लोग लेखक थे, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसकी अंग्रेजी हम लोग का सबसे पहले बनाएंगे, इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग का अंग्रेजी बनाते हैं। हम लोग किसके माने होता है? वी माने हम लोग होता है, वी हो गया दोस्तों, वी। इसके बाद सहायक क्रिया क्या होती है? इसके लिए सहायक क्रिया वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वी वर, ठीक है, वी वर बहुवचन, इसलिए वर का प्रयोग करेंगे। लेखक का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों? राइटर्स होता है, WRITERS, फुल स्टॉप, ठीक है ना। आई होप की बात यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी, इसे आप। हाँ, तो दोस्तों उदाहरण नंबर तीसरा लिखेगा, तुम कारीगर थे, ठीक है। उदाहरण नंबर तीसरा, तुम कारीगर थे, कारीगर, तुम कारीगर थे, ठीक है। अब दोस्तों तुम आ गया, तो तुम का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? तुम का अंग्रेजी यू लिखेंगे, बहुवचन, इसलिए वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे यू वर, ठीक है, यू वर। यहाँ तक समझ में आ गई बात है ना? एन आर्टिसन, ARTISAN, आर्टिसन फुल स्टॉप, ठीक है ना। यू वर एन आर्टिसन, ARTISAN, ठीक है ना, आर्टिसन होता है, ठीक है। तुम कारीगर थे, यू वर एन आर्टिसन, इसका अंग्रेजी बनेगा। चौथा लेते हैं दोस्तों, उदाहरण नंबर चौथा, उदाहरण नंबर चौथा लिखेगा, तुम लोग डॉक्टर थे, तुम लोग डॉक्टर थे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, तुम लोग डॉक्टर थे। आई होप की बात समझ में आ रही होगी, तुम लोग डॉक्टर थे, ठीक है। इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तुम लोग है तो बहुवचन है, तो यू लगेगा, इसके ऐसा सहायक क्रिया वर होगी, यू वर। और डॉक्टर का मीनिंग क्या होगा, आपको पता है, डॉक्टर ही होगा, डॉक्टर्स, DOCTORS, डॉक्टर्स, ठीक है, फुल स्टॉप। तुम लोग डॉक्टर थे, यू वर डॉक्टर्स, आई होप की बात समझ में आ गई होगी। उदाहरण नंबर 5 लेते हैं दोस्तों, उदाहरण नंबर 5 देखिएगा, उदाहरण नंबर 5, राम वकील था। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? राम वकील था, ठीक है, राम वकील था। आई होप की बात यहाँ तक समझ में आपकी आ रही होगी। तो इसका क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका क्या बनेगा? राम एक वचन है, इसलिए वाज का प्रयोग करेंगे, राम वाज, ठीक है। राम वाज एन एडवोकेटेड होता है, इसका क्या होगा? एडवोकेट होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या अंग्रेजी दोस्तों? एडवोकेट, ADVOCAT, एडवोकेट, ठीक है, फुल स्टॉप, ADVOCAT, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, यहाँ पर एन का प्रयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि एडवोकेट का जो पहला अक्षर है वह वावेल है, इसलिए एन का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब उदाहरण नंबर लेते हैं कौन सा? 6, तब तक इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उदाहरण नंबर 6 क्या लिखेगा दोस्तों? वह अभिनेत्री थी,
वह अभी नेत्री थी, वह अभिनेत्री थी, ठीक है ना दोस्तों, वह अभिनेत्री थी। इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, एकदम ध्यान से देखेगा, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखेगा, ठीक है। तो वह का अंग्रेजी क्या होगा, सी हो जाएगा, सी वाज, यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे, सी टी आर ई डबल एस, एक्ट्रेस, ठीक है, फुल स्टॉप, याद रखिएगा, वह अभिनेत्री थी, इसकी अंग्रेजी बनेगी सी वाज आए ना एक्ट्रेस, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपके जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग के बारे में आपके बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, वो मीनिंग क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहला क्या दोस्तों, सेलर, सेलर माने क्या होता है दोस्तों, नाविक होता है, क्या दोस्तों याद रखिएगा, नाविक होता है, ठीक है, इसके माने क्या होता है दोस्तों, नाविक होता है। दोस्तों अगला मीनिंग क्या, आथ्रेस, आथ्रेस माने क्या होता है दोस्तों, आथ्रेस माने लेखिका होता है दोस्तों, क्या होता है, लेखिका, याद रखिएगा, लेखिका होता है, ठीक है। अगला कह रहा साइंटिस्ट, साइंटिस्ट माने क्या होता है दोस्तों, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट माने क्या होता है दोस्तों, वैज्ञानिक होता है, वैज्ञानिक होता है, याद रखिएगा, साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक। अगला कह रहा पोएट, पोएट माने क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, पोएट माने कवि होता है, ठीक है, पोएट माने क्या होता है दोस्तों, पोएट माने कवि होता है, ठीक है। अगला मीनिंग कह रहा आथर, आथर माने क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, आथर माने क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, आथर माने लेखक होता है, क्या होता है दोस्तों, आथर माने लेखक होता है, ठीक है। अगला कह रहा है दोस्तों पोएट्स, पोएट्स माने क्या होता है दोस्तों, पोएट्स माने कवित्री होता है दोस्तों, कवित्री, ठीक है, पोएट्स माने क्या होता है दोस्तों, कवित्री होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला मीनिंग क्या करा दोस्तों, थीप, थीप माने क्या होता है दोस्तों, चोर होता है, थीप माने क्या होता है, थीप माने चोर होता है, ठीक है, थीप माने क्या होता है दोस्तों, चोर। अगला कोबलर कह रहा है दोस्तों, कोबलर माने क्या होता है, कोबलर माने दोस्तों याद रखिएगा, कोबलर माने होता है मोची, क्या होता है, मोची होता है दोस्तों, याद रखिएगा, मोची होता है, ठीक है। अगला पेंटर, पेंटर माने क्या होता है दोस्तों, पेंटर माने चित्रकार, पेंटर माने क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, चित्रकार होता है दोस्तों, चित्रकार होता है दोस्तों, ठीक है, चित्रकार होता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपके जरूर समझ में आएगा, यदि वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, जय भारत।